तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था आप लोगों को कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी आपका MTS हवलदार की वैकेंसी आने वाली है, मतलब वैकेंसी आ गई, आपका एग्जाम होने वाला है एक दो महीने में होने वाला, फिर आपका SSC CGL का भी नोटिफिकेशन आया तो उसका एग्जाम। क्योंकि आप लोग जान रहे हो इस बार क्या कर दिया SSC ने, आपका GK को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे दिया है ना, इंग्लिश और GK को, ठीक है। MTS की बात करें तो और मैथ और रीजनिंग क्या क्वालिफाई, तो उसमें GK बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें करंट अफेयर भी आता। तो करंट अफेयर भी आता तो उसके लिए बहुत सारे लोगों का सरदर्द क्या है, करंट अफेयर तो सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी पढ़ रहे, यूट्यूब भी पढ़ रहे, लेकिन वो याद रह जाना एट ए टाइम वो बहुत बड़ी बात है। तो इसी के क्रम में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, पूरे स्पीडी जो बुक है उसका जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को हम लोग ट्रिक से याद करवाएंगे। और इससे पहले बता दें कि हमारे करंट अफेयर वीडियो से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। इससे पहले जब हमने करंट अफेयर बना था बहुत अच्छा अच्छा रिस्पांस आया था, लोगों ने बहुत ज्यादा ही लोगों ने उनको प्यार दिया था और बहुत सारे लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बना पा रहे थे। देखो करंट अफेयर मैं भी पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर और भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम के समय आप उस चीज को याद कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब वो ऑप्शन में मरा पा रहा है कि नहीं मारा, क्योंकि एग्जाम के समय आप भूल जाओगे। तो ऑप्शन में मारने के लिए क्या चाहिए, आपको एट ए टाइम याद रहना चाहिए। वो कैसे याद रहेगा, तो हम जो चीजें आपको रिलेट करके बताते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगी और वहां पर एग्जाम में आप लोग मार पाओगे, ठीक है। नहीं तो करंट अफेयर के एक एक घंटे की वीडियो, दो दो घंटे की वीडियो देखने फायदा नहीं, जब तक आपको याद ना हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, GI टैग हो गया, आपका राज्य हो गया, वर्तमान में जितने भी क्या बोलते हैं अपार्टमेंट है, वो सब को लेकर के हम लोग बनाएंगे। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो याद करेंगे आप लोग को, नोबेल प्राइज 2021 और नोबेल प्राइज 2022 है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे और इसका शुरुआत कर देते हैं हम लोग आज से ही, और इसको पूरे अच्छे तरह से ट्रिक से हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। और ऐसा मैं आपको बताऊं, ट्रिक ही ट्रिक, मतलब ऐसा ट्रिक कि आपको रिलेट करेंगे और 90% क्वेश्चन आपको, मतलब 90% याद हो जाएगा, इसी क्लास में याद होगा, यही पे उसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखो आज का क्या है, नोबेल प्राइज 2021 का है, फिर नोबेल प्राइज 2022 का, उसके दोनों पढ़ेंगे। मान लो एग्जाम में भी बहुत सारे लोग 22 का याद करके जाएंगे, लेकिन 21 का पूछ दिया तो मैं दोनों आपको जब ट्रिक से याद करवा दे रहा हूं, दोनों याद कर लो, फायदा ही आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज 2021 की, है ना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, और इसका मैं PDF, और इसका मैं देखो इसका PDF मैंने बनाया है, और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ट्रिक के साथ है PDF, है ना, तो ये देख लेना आप, ठीक है। तो चलो बात करते हैं नोबेल प्राइज 2021 की, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नोबेल प्राइज 2022 में किस किस को मिला। तो ये तो सभी को पता है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज 2021 में बात करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, डेविड जूलियस को दिया गया और अर्देम पटा पाउटिन को दिया गया। देखो नाम ही इतना खतरनाक हो तो याद कैसे होगा, तो ये डेविड जूलियस को और अर्देम पटा पाउटिन को दिया गया। तो इसका कैसे याद रखेंगे, है ना, तो डेविड नाम का कोई लड़का था, ठीक है, डेविड नाम का कोई लड़का था, ठीक है, और उसने क्या किया, डेविड ने जूली को पटाया और मार खाया, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब मार खाया तो वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, चिकित्सक के पास ही तो जाएगा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होगा, तो डेविड से क्या होगा, डेविड जूली, है ना, डेविड जूली को पटाया और मार खाया, तो डेविड जूली से क्या हो गया, डेविड जूलियस, को साइलेंट यहाँ पर रहेगा, फिर पटाया से क्या हो गया, अर्देम पटा पाउटिन हो गया यहाँ पे, और मार खाया, और मार खाया तो कहाँ गया, चिकित्सक के पास गया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, तो डेविड जूली से डेविड जूलियस हो गया, अर्देम पटा पाउटिन से पटा पटाया से ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखो कितना रिलेट हो रहा है, पूरा वर्ड आपको 90% कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना, तो फिजिक्स के क्षेत्र में क्या ऐसे याद करेंगे, तो अक्सर देखो क्या होता है, फिजिक्स में जब हम लोग क्लास आता है तो क्लास में जाने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता बहुत लोगों का, जिनका फिजिक्स कमजोर है। तो कैसे हम इसको याद करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसमें मिला किसको, तो इस सिकुरो मानेवे को मिला पहला, और क्लाउस हैसलमैन को मिला है दूसरा, और तीसरा जो व्यक्ति है जियोर्जियो पारिसी को मिला, तीन व्यक्ति को मिला। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसका ट्रिक क्या है, मैं ना जाबो क्लास में परसों, मैं ना जाबे क्लास में परसों, फिजिक्स की, इसका कैसे ट्रिक है, मैं ना जावे क्लास फिजिक्स की, मतलब फिजिक्स की क्लास लगी स्कूल में, मैं ना जावे, ठीक है, तो मैं ना से क्या हो गया, क्लाउस हैसलमैन, ठीक है, सॉरी क्लाउस हैसलमैन ये वाला नहीं लेंगे, मैं ना से क्या हो गया आपका सिकुरो मानेवे हो गया, जावे, जावे से क्या हो गया जियोर्जियो
पारिसी हो गया, क्लास से क्या हो गया, क्लाउस हैसल मैन, ऐसे आप लोग हम लोग याद करते, दो तीन बार आप लोगों को देखना है आपको याद हो जाने वाला, ठीक है, क्षेत्र में, ठीक है। तो रसायन के क्षेत्र में दो लोगों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट को मिला और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को मिला। तो इसका ट्रिक हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखो बेंजामिन केमिकल है, तो बेंजामिन देखो तो बेंजीन एक केमिकल है कि नहीं है, क्या बेंजीन, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो बेंजीन एक तरह का क्या है, केमिकल है, तो उसका ट्रिक ही यही है, बेंजामिन बेंजामिन केमिकल मिलाना, कौन सा बेंजामिन केमिकल मिलाना, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग याद है, तो बेंजामिन से क्या हो गया, बेंजामिन से क्या हो गया, बेंजामिन लिस्ट हो गया, ठीक है। और केमिकल, केमिकल से क्या हो गया, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, मैकमिलन केमिकल, ऐसे रिलेट करेंगे है ना, या तो फिर मिलाना, मिलाना से क्या हो गया, मैकमिलन, मिलाना से मैकमिलन याद, बेंजामिन से क्या हो गया, बेंजामिन लिस्ट को आपको दर्शा रहा है, ठीक है। फिर बेंजामिन एक तरह का क्या है, केमिकल है, तो केमिकल से क्या हो गया, रसायन के क्षेत्र में, और मिलाना से क्या होगा, डब्ल्यू डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र, इकोनॉमिक के क्षेत्र में किसको मिला, तो इकोनॉमिक के क्षेत्र में आपको तीन व्यक्ति को मिला, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को मिला और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को मिला, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ट्रिक कैसा है, अर्थशास्त्र मतलब पैसा, पैसा की बात करते हैं, तो देखिए एक गुड्डू नाम का लड़का है ना, उसको बोला जाता है कि जाओ गुड्डू कार्ड लेके आओ, आज हम लोग शॉपिंग करेंगे, तो क्या बोलेंगे, जो गुड्डू कार्ड ला, जो गुड्डू कार्ड ला, ए गुड्डू जो कार्ड लेकर के आओ, तो जो से क्या हो गया आपका, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, जो से जोशुआ डी एंग्रिस्ट हो गया। अब गुड्डू से बात करते हैं, तो गुड्डू से क्या आ रहा, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, कार्ड से क्या हो गया, डेबिट कार्ड है ना, कार्ड से क्या हो गया, डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड लाओ तो पैसा ही निकालना जाएगा, और पैसा से क्या रिलेट होता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में किनको किनको मिला, दो लोगों को मिला, मारिया रेसा को मिला और दिमित्री मुरातोवा को मिला, मारिया रेसा को मिला है आपका और दिमित्री मुरातोवा को मिला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो मान लेते हैं कोई मारिया नाम की लड़की है और उसकी मित्र जो है ना बहुत ही शांत है, देखते हो मारिया नाम की लड़की है और इसकी मित्र बहुत शांत है, तो बस यही तो ट्रिक हो गया, मारिया की मित्र शांत है, बहुत ही शांत स्वभाव की, तो मारिया से क्या हो गया, मारिया रेसा, की यहां पे आपका साइलेंट रहेगा, मित्र से क्या हो गया, दिमित्री मुरातोवा, और शांत है, शांत से शांति के क्षेत्र में मिला। अब बात करते हैं इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में 2021 में सिर्फ एक लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला, अब्दुल रजाक गुरना, बहुत बड़ा नाम है, तो अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक मतलब साहित्य, तो अब्दुल रजाक एक ऐसे व्यक्ति है जिनका गुना साहित्य में दर्ज है, जिनका गुना मतलब अब्दुल रजाक नाम का एक व्यक्ति ऐसे जो बहुत गुनाह किया उनका साहित्य में दर्ज होता है, ऐसे याद रखेंगे, तो अब्दुल का गुना सही है जो कि साहित्य में दर्ज है, मतलब जो गुनाह किया वो बिल्कुल सही है और गुनाह उनका साहित्य में दर्ज है, किसका, अब्दुल रजाक गुना, तो क्या हो गया, अब्दुल रजाक का गुना है ना, तो इससे क्या हो गया, अब्दुल रजाक गुना और सही है, सही है मतलब साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे हम लोग रिलेट करके चीजों को याद करें, रिलेट करके क्या, एक दो बार खाली पढ़ लेना आपको हमेशा के लिए याद होगा। अब बात करते हैं हम लोगों का ये 2021 हो गया, अब 2022 में बात करते हैं, तो 2022 में भी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला होगा, तो देखिए 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, अब ये किसको मिला, तो सबसे पहला है आपका संवंतो, 2022 के क्षेत्र में अभी एक ही व्यक्ति को मिला, संवंतो पाबो, किसको, संवंतो पाबो को मिला, तो कैसे हम लोग याद करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इसका ट्रिक है डॉक्टर संबित पात्रा, एक ही व्यक्ति को मिला, तो इसका ट्रिक है डॉक्टर संबित पात्रा। जैसा कि अभी आप लोग देखते होंगे टीवी में डिबेट वगैरह होता है, तो बीजेपी के एक प्रवक्ता है डॉक्टर संबित पात्रा है ना, तो डॉक्टर टाइटल है, तो डॉक्टर से क्या होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हीं को मिला है क्या, है ना, डिबेट करते बहुत, उनका कोई काम धाम है नहीं, है ना, बहुत सारे लोग डिबेट करते रहते हैं, तीन चार लोग बैठ के मिलकर, तो उनमें एक संबित पात्रा भी आते हैं, तो उनको डॉक्टर है संबित पात्रा, तो डॉक्टर संबित पात्रा से क्या, संबंतो पाबो है ना, ये इस तरह याद रखेंगे, संबित से संबंतो पाबो पात्रा, देखो हम रिलेट करके हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में किनको मिला आपको, तो भौतिकी मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में आपको तीन लोगों को मिला, एलेन ऑस्पेक्ट को मिला, फिर जॉन क्लासर को मिला, फिर एंटोन जिलिंगर को मिला, किसको मिला, एंटोन जिलिंगर को मिला। कैसे याद रखेंगे, है ना, कि हमारे मान लेते हैं कि हमारे क्लास में कौन सा रहे, पहले इसमें देखो इसमें क्या था, मैं ना जा वो क्लास में परसों, तो इसमें अब आगे क्या, क्यों नहीं क्लास में जा रहे थे परसों, क्योंकि हमारे क्लास में एक सर है, कौन सर है, एलेन सर है, और जिनका टोन है, टोन मतलब साउंड, बोलने का साउंड जो गजब है, मतलब बच्चे लोग क्या होते हैं उसे डर जाते हैं, तो इसे ट्रिक क्या, एलेन सर का टोन गजब है, टोन मतलब साउंड है ना, तो साउंड से क्या आया, फिजिक्स
है ना, फिजिक्स में साउंड पढ़ा है तो वैसे ही आते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। किसका? एलेन सर का टोन गजब है। तो एलेन से क्या हो गया आपका? एलेन ऑस्पेक्ट हो गया। फिर सर, सर से क्या हो गया आपका? जॉन क्लासर, जॉन क्लासर। हर का यहाँ पे आपका साइलेंट रहेगा। टोन से क्या हो गया आपका? टोन से एंटोन जिलिंगर। क्या हो गया? एंटोन जिलिंगर। तो ऐसे हम लोग याद रख लेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में कैसे है। तो देखो रसायन के क्षेत्र में किन किन लोगों को मिला? तीन लोगों को मिला, मोर्टेन मोल्डल को मिला, ठीक है, फिर कैरोलिन बटोरजी को मिला और बैरी सार्प्लेस को मिला। तो देखो नाम बहुत खराब खराब है, लेकिन ट्रिक ऐसा देंगे ना कि आप ऑप्शन देखोगे वहां पे मार लोगे, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रट के जाओगे तो भूल जाओगे। अब देखो मोर्टेन मेल्डल को मिला, कैरोलिन बटोरजी को मिला और बैरी सार्प्लेस को मिला। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? ऑर्डर मटन करी ऑर्डर करते हैं, और मटन करी के क्या होता है? कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। कॉम्बिनेशन मतलब केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा होता है ना, इसीलिए हम लोग ऑर्डर कर दिए। तो मटन करी का केमिस्ट्री अच्छा है तो चलो भाई ऑर्डर कर दो, तो है ना। तो इसका ट्रिक क्या होगा? मटन करी लेस, है ना, क्या लिखेंगे? मटन करी लेस कोई खाना मंगवा लो जिसका, है ना। तो ये हो गया मटन से क्या हो गया? मोर्टेन मोल्डल हो गया, करी से क्या हो गया? कैरोलिना बटोरजी हो गया, और लेस से क्या हो गया? बैरी सार्प्लेस। देखो ये ट्रिक का फायदा क्या है ना कि आपका 70% 80% चीजें नाम में ही छुपा हुआ है पूरी तरह से। बहुत सारा ट्रिक ऐसा होता है सिर्फ वर्ड को ले लेते, उसे याद नहीं हो पाता, कन्फ्यूजन, इससे आप कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, देख लेना, ठीक है। बस ये मेरा ट्रिक याद करो, आपका ऑप्शन रहेगा आप समझ जाओ करेगी भाई ये है, क्योंकि 90% वो चीज आंसर से कॉपी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में किनको मिला? इकोनॉमी के क्षेत्र में तीन लोगों को मिला, फिलिप डायब्रबिग को मिला, फिर डगलस डायमंड को मिला और बेन एस बनारनके को मिला। इसको कैसे याद करेंगे? फिलिप डायब्रबिग को मिला, डगलस डायमंड को मिला, बेन एस बनारनके को मिला। तो इसका देखो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, तो अब यहाँ पे देखो इसमें किस अर्थशास्त्र में क्या मेरा जो गुड्डू काट ला, अब वही गुड्डू क्या करेगा? वही गुड्डू को बोले थे काट लाने, अब वो गुड्डू क्या करेगा? मान लेते हैं अपनी वाइफ को वो डायमंड गिफ्ट करेगा, और डायमंड गिफ्ट करेगा तो कैसे हम लोग याद रखेंगे? कि तो फ्लिपकार्ट से डायमंड बना के देगा। गुड्डू ने ही बोला अपने वाइफ को कि मैं आपको फ्लिपकार्ट से डायमंड बना के दूंगा, मतलब कि वही ला करके दूंगा। तो गुड्डू वाला से आप लोग वहां पर ट्रिक बैठा लेना, और यहाँ पे गुड्डू बड़ा होगा तो फ्लिपकार्ट से डायमंड बना करके देगा, तो फ्लिपकार्ट से डायमंड बना के दूंगा। तो फ्लिपकार्ट से क्या हो गया आपका? देखो फिलिप डायबी हो गया, फिर से डायमंड, डायमंड से डगलस डायमंड हो गया, और बना के से क्या बेन एस बनारके, ये आपका ट्रिक हो गया। देखो पूरा रिलेट, ऐसे आप लोग रिलेट करके याद करोगे दोनों याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन में। अब शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में क्या हो गया? शांति के क्षेत्र में आपको कैसे याद रखोगे? मेमोरियल। तो मेमोरियल एक रूसी संगठन है, जिसका नाम है रूसी संगठन है, उस संगठन का नाम क्या है? मेमोरियल, ठीक है। अब एलेन बियालिस्की, ये एक अधिवक्ता है, क्या है? ये एक अधिवक्ता है, उनको मिला। फिर यहाँ पे क्या है? सेंटर फॉर सिविल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी संगठन है याद रखना, और मेमोरियल ये भी संगठन है दोनों, और एक एलेस बिया लितिस्की को मिला, है ना। तो कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक शांति है ना, तो देखो अक्सर बिल्ली लोग शांत रहती है, शांति नहीं ना मचाती, हमेशा म्याओ म्याओ करते रहते, तो इसको कैसे याद रखेंगे? रियल में बिल्ली नॉट फॉर शांति, रियल में बिल्ली जो है शांति के लिए नहीं है, ऐसे याद है। तो रियल से क्या हो गया? मेमोरियल हो गया, मे साइलेंट रहेगा बिल्ली, तो कौन कौन शांत नहीं रहती है? बिल्ली शांत नहीं रहती, तो बिल्ली से बियालितिस्की हो गया, और नॉट भी साइलेंट, फोर, फोर से क्या हो गया? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, मतलब रियल में बिल्ली शांत नहीं रहती है, तो रियल से मेमोरियल, बिल्ली से एलेस बियालिस्की, नॉट साइलेंट, फोर से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये और ये दोनों क्या एक संगठन है, याद रखना। देखो पहले मारिया शांत थी, लेकिन उसकी जो बिल्ली है शांत नहीं थी, तो ऐसे हम लोग चीजों को याद रहे, मारिया पहले उसके बाद उसकी बिल्ली अब शांत नहीं है। फिर बात करते हैं साहित्य, तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 में भी एक मिला और 2021 में भी एक मिला। तो पहले अब्दुल रजाक गुलराम को मिला, फिर इसके बाद क्या मिला? एनी एनॉक्स को, तो एनी एनॉक्स, तो एनी एनॉक्स, एनॉक्स से क्या आएगा ट्रिक? देखो कैसे बैठा, सही नक्शा है जो आपका आपका नक्शा है साहित्य में, क्या होता है साहित्य में बहुत सारा, मान लेते साहित्य में नक्शा बनाया गया, ठीक है, और वो जो नक्शा क्या है एकदम सही है, तो सही नक्शा है, तो सही से क्या हो गया? सही से साहित्य क्षेत्र को दर्शाता है, और नक्शा से क्या हो गया? एनॉक्स, नक्शा से क्या हो गया? एनॉक्स, ठीक है। ऐसे हम लोग ट्रिक को याद करें, तो चीज़ों का आप रिलेट करके देखना, ठीक है। डॉक्टर समित पात्रा अभी वाला हो गया, फिर ऐसे इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं, है ना।